आरा में पुलिस ने अपराध की योजना बनाते सोन बालू घाट दियारा का आतंक और भोजपुर के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात सत्येंद्र पांडे सहित 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से एक SLR राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस के जखीरा को बरामद किया है। छापेमारी के दौरान 7 लाख रुपए नकद भी जब्त किया। कुख्यात सत्येंद्र पांडे कोइलवर के सोनद दियारा इलाके में पांडे ब्रदर्स के नाम से चलाता था गैंग। अवैध बालू में सत्येंद्र पांडे अपने गिरोह के सहारे चलाता है वर्चस्व का सिक्का। भोजपुर SP प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पुष्टि। भोजपुर पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। एक SLR, 5 रेगुलर राइफल, 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 86 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, 3 मैगजीन और 7 लाख रुपया, 3 मोबाइल के साथ 4 टॉप 10 सहित 8 कुख्यात अपराधी तथा बालू तस्कर गिरफ्तार। प्रातः में अगोस्ताक्षरी को गुप्त सूचना मिली कि कोइलवर थाना अंतर्गत ग्राम कमालूचक दियारा में सत्येंद्र पांडे पेठ स्वर्गीय रामेश्वर पांडे 60 पचरुखिया थाना कोइलवर जिला भोजपुर के गिरोह के अपराध कर्मी अवैध बालू खनन के वर्चस्व को लेकर कोई बड़ी घटना एवं लूटपाट की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना का सत्यापन अवैध अग्नियास्त्र की बरामदगी तथा टॉप 10 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु अगोस्ताक्षरी के द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर आरा के नेतृत्व में अविनाश कुमार थानाध्यक्ष कोइलवर तथा एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बलों तथा DIU शाखा के पुलिस पदाधिकारी बलों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कमालूचक दियारा क्षेत्र में घेराबंदी कर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। छापेमारी क्रम में सत्येंद्र पांडे के गिरोह के अपराध कर्मियों अपने को चारों तरफ से घिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद उक्त छापेमारी में सत्येंद्र पांडे सहित उनके गिरोह के टॉप 10 के 4 अपराध कर्मी सहित कुल 8 कुख्यात अपराधी तथा बालू तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आप सभी लोगों को बताना है कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है भोजपुर पुलिस की, जो लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ उसमें से एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आज साबित हुई है। और आप लोगों को विदित है कि जो बालू का क्षेत्र है, खास करके जो दियारा का क्षेत्र बालू का, वहाँ पर लगातार जो है अवैध हथियारों का जो है जमावड़ा लोगों के द्वारा लगा रहता है और लोग वहाँ पर अवैध रूप से फायरिंग की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं और वहाँ पे जो वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई भी होती रहती है। और उसी में अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि फायरिंग की घटना भी हुई थी। और इसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगातार भोजपुर पुलिस जो है ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। और इसी कड़ी में जो है कल एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि बालू के जो अवैध जो वर्चस्व की लड़ाई है उस क्षेत्र में जो है अवैध हथियारों के द्वारा वहाँ पर कुछ वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है और संभवतः कोई जो है कि घाट कब्जा करने के लिए या इस सब चीज़ के लिए कुछ गुटों के बीच में लड़ाई की संभावना है। तो जैसे हम लोग को आसूचना मिली और आसूचना के उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया जो सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री चंद्र प्रकाश, थानाध्यक्ष कोइलवर श्री अविनाश और हमारी DIU की टीम और कुछ हमारी अन्य जो स्पेशल हमारे बल था जो जिला का, इन सब की एक संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर छापामारी करवाई गई। जो कल अहले सुबह जिसकी जो छापामारी चालू हुई, तो छापामारी के क्रम में जो है हम लोगों को शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ क्योंकि जैसे हमारी टीम जो है वहाँ पर गई तो इनका जो हथियारों को ये लोग रखे हुए थे जहाँ जुटे हुए थे उनकी एक संतरी टाइप की भी दूर से लगी हुई थी दियारा क्षेत्र में कि कोई बाहर से आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हमारी टीम के कुछ सदस्यों को इन्होंने देखा तो इनकी टीम ने जो है हमारे सदस्यों की टीम पे जो है फायरिंग किया। तो जब फायरिंग किया तो उसमें फिर ये लोग जो है झुकने की कोशिश किए और उसके बाद फिर दोबारा इन लोगों ने फायरिंग किया सामने से। उसी फायरिंग से बचने के लिए फिर इधर से भी जो है काउंटर फायरिंग की गई और उसके बाद फिर जो है किसी तरीके से इनको घेराबंदी की गई। और घेराबंदी के उपरांत जो है फिर ऐसे इन अपराधियों को और तमाम जो हथियार आप लोग देख रहे हैं इनकी जो है बरामदगी की गई और गिरफ्तारी की गई। और इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इनकी बरामदगी में से एक SLR बरामद किया गया है जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और उसके साथ 5 रेगुलर राइफल जो आप लोगों के सामने है, 5 रेगुलर राइफल बरामद किया गया, 2 देसी कट्टा बरामद किया गया, 1 देसी पिस्टल, 86 जिंदा कारतूस। और ये कारतूस अलग अलग हैं, SLR के भी कारतूस है, अलग अलग
राइफल और पिस्टल और कट्टे की गोलियां हैं, अलग अलग तीन मैगजीन, ये मैगजीन SLR की मैगजीन है, तीन मैगजीन बरामद की गई है। और इस तलाशी के क्रम में इनके पास से जो है नकद 7 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। और इसके साथ इनके जो मोबाइल जो यूज़ कर रहे थे लगातार वहाँ क्राइम में, तीन मोबाइल बरामद किए गए हैं। और टोटल 8 कुख्यात अपराधियों की और जिसमें बालू तस्कर है उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उसमें से 8 में से 4 हमारे जो ज़िले के 3 और एक रोहतास के ज़िले का जो है टॉप 10 क्रिमिनल है। तो टोटल टॉप 10 4 क्रिमिनल की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। इस तरीके से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और इसमें से जो अलग अलग जो कारतूस थे, जैसे SLR राइफल के 7.65 mm जो जिंदा कारतूस था, इसकी जो है अलग अलग जो इनकी मात्रा है तो इसकी बरामदगी सुनिश्चित की गई। और टोटल कुल 74 जो है 8 mm के जो है KF जो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और 7 जो है 8 mm के KF खोखा उसका बरामद किया गया। 7.62 का जो खोखा है जो SLR से भी जो फायरिंग की गई थी उसका भी एक खोखा बरामद किया गया है। और उसके साथ साथ अन्य जो गोलियां हैं जो देसी पिस्टल और कट्टे की गोलियां हैं इनकी बरामदगी की गई है। और जो अभियुक्त हैं जो हमारे टॉप 10 के शुरुआत के 3 हैं और एक रोहतास का, यानी टोटल 4 टॉप 10 गिरफ्तार हुए हैं, उसमें सत्येंद्र पांडे जिनके ऊपर 16 से ज़्यादा केस दर्ज हैं और सभी गंभीर प्रगति के हैं। दूसरा नीरज पांडे, इनके पास इनके ऊपर भी 6 से 7 से ज़्यादा केस जो अभी तक हम लोग ज्ञात कर पाए हैं दर्ज हैं। तीसरा पद्माकर पांडे, ये भी टॉप 10 हमारा अपराधकर्मी है और इनके ऊपर भी जो कई कांड दर्ज हैं और कांडों का हम लोग इनका सत्यापन कर रहे हैं। और चौथा अरुण कुमार पिता राजू नट, अरुण कुमार नट ये लूट और अन्य कांडों में जो है रोहतास में वांछित है, ये मुलतान नासरीगंज का ही रहने वाला है, तो इसकी गिरफ्तारी की गई है। और पांचवा है सूरज पांडे, छठा संजय पांडे, ये भी पचरुखिया के ही हैं और ये मोस्टली पचरुखिया कला के आसपास के ही हैं। और सातवां अपराधकर्मी नीतीश कुमार है, ये लक्ष्मणपुर आरा मुफस्सिल थाना का रहने वाला है। और आठवां है रंजीत कुमार, पिता रामबाबू राय, पचरुखिया कला, कोइलवर का रहने वाला है। ये टोटल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, बाकी बरामदगी में आप लोगों के सामने है। और इन अपराधकर्मियों का हम लोग और भी इनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और इसमें कुछ अन्य चीज़ें हम लोग अभी लगातार अनुसंधान अंतर्गत है, कुछ अन्य चीज़ें भी हम लोग पास और भी बरामद होने वाली हैं, तो अनुसंधान में आगे जो बरामदगी होगी उसमें इसमें शामिल किया जाएगा। राइफल की भी बरामदगी जो है, पहले जो हम लोग ये राइफल जो बरामद हुई थी सारी, उसके बाद जब पूछताछ हुई तो उसने फिर उसमें जाके रिकवर उसी क्षेत्र इनके घर के पास से ही, जहाँ इनका पचरुखिया के पास घर है उसके पास से ही, किसी रिश्तेदार के घर पर से ही। देखिए वो घर तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है किसका है, लेकिन हम उसका वेरीफाई अभी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ से बरामदगी की गई है वो बंद घर टाइप का बताया जा रहा है। तो हाँ, तो अभी उसका जो है हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो किसका है ये हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन जो वो घटना जहाँ से बरामदगी की गई है उसको हम लोग जो सीजर में सारी चीज़ ले जाएंगे।